संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू की आज दोनों सदनों के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक। सत्र को सुचारू तरीके से चलाने पर हो रही है चर्चा। संसद के दोनों सदनों में कई विधेयक अभी भी हैं लंबित। इसके अलावा एनडीए के नेता भी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने को लेकर करेंगे चर्चा। बैठक में सदन को चलाने को लेकर गठबंधन की रणनीति पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार शीतकालीन सत्र में ही जीएसटी विधेयक पास कराने के लिए विपक्ष से बात कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर इस विधेयक को लेकर सबकी सहमति है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश हित के लिए इस विधेयक को लेकर कांग्रेस अपनी राय पर पुनर्विचार करेगी। पिछले साल मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हुई 40% की वृद्धि। पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया भारत को एक बाजार के रूप में नहीं बल्कि मिलकर काम करने योग्य एक बराबर के साझेदार के रूप में देख रही है। असहिष्णुता को लेकर बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि आमिर खान का बयान जिस सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आया है, उस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे, जिससे ये सिद्ध होता है कि भारत में अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है। वहीं मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं पर फिल्म बनाकर अभिनेता आमिर खान ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। देश में इससे ज्यादा सहिष्णुता की उम्मीद वो क्या कर सकते हैं। केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में सड़कों के संपर्क का काम पूरा करने की समय सीमा घटाकर अब मार्च 2019 कर दी है। पहले सरकार ने 2022 तक की समय सीमा तय की थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत वित्तीय आवंटन को बढ़ाकर और योजना में रुपए के आवंटन में बदलाव कर दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास तंगधार में सेना के एक कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने कुपवाड़ा में स्थित जीओसी 28 इन्फेंट्री डिवीजन पर सुबह 8:17 पर गोलीबारी की। सेना और आतंकियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। फिलहाल पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस हमले में एक जवान के शहीद होने की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूस के सैनिक विमान को गिराए जाने के मामले में तुर्की का बचाव किया है। ओबामा ने कहा है कि तुर्की के पास अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का अधिकार है। वहीं सीरिया की सीमा के पास सैनिक विमान को निशाना बनाए जाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे पीठ में छुरा घोंपने की कार्रवाई बताया था। पुतिन ने तुर्की को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी। ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस में राष्ट्रपति के गार्ड्स को ले जा रही बस में धमाका, कम से कम 12 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। ट्यूनिस में एक बम में विस्फोट के जरिए हुए हमले के बाद राष्ट्रपति बेजी एसेबसी ने देश में 30 दिन तक आपातकाल लगाने की घोषणा की। वहीं राजधानी ट्यूनिस में कर्फ्यू लगाया गया। अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तान मूल के आबिद नासिर को चरमपंथी संगठन अलकायदा के हमले की एक योजना का हिस्सा होने के आरोप में 40 साल की सजा सुनाई है। ये मामला अमेरिका और यूरोप में बम धमाकों की अलकायदा की योजना से जुड़ा है, जो कि नाकाम हो गई थी। देश भर में आज गुरु नानक जयंती का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेक रहे हैं। इस दिन को प्रकाश पर्व यानी रोशनी के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारों में शबद कीर्तन किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही हफ्ते भर चलने वाले बाली यात्रा पर्व की शुरुआत हो गई है। ये पर्व प्राचीन काल में कलिंगा के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ समुद्री संपर्क की स्मृति में मनाया जाता है, इसीलिए इसे बाली यात्रा का नाम दिया गया है। ओडिशा के व्यापारियों ने दशकों पूर्व यहाँ जल यात्रा की थी, इसीलिए सुबह की शुरुआत में लोग प्रतीकात्मक तौर पर कागज की नाव चलाते हैं। स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय की शुरुआत करने वाले बीएसएफ के जवानों ने दिल्ली से गंगोत्री की यात्रा कर करीब 7 क्विंटल कूड़ा इकट्ठा कर गंगा और गौमुख ग्लेशियर की साफ सफाई की। साइकिल द्वारा की गई करीब 1500 किलोमीटर की इस यात्रा का मकसद देश भर में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना था। नागपुर में खेले जा रहे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। विराट कोहली 3 स्पिनर्स और 1 तेज गेंदबाज के साथ मैच में उतरे हैं। रोहित शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि भारत इस सीरीज में 1-0 से आगे है। मकाओ ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में बी साई प्रणीत ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। साई प्रणीत ने उज्बेकिस्तान के आर्यटम स्वायतुगिन को सीधे गेम्स में 21-11, 21-8 से हराकर ये मुकाम हासिल किया।
गत विजेता बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग के नॉकआउट दौर में जगह बना ली है। बार्सिलोना ने मेसी और सुआरेज के दो दो गोल की बदौलत इटालियन क्लब एएस रोमा को 6-1 से मात दी। वहीं जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख भी नॉकआउट दौर में पहुंचा।